माइकल अपने ई रिक्शा पे अपने पैसेंजर्स को लेके जा रहा था उनकी लोकेशन के लिए, और तभी दिखाई देता है कि आगे तो रास्ता बंद है, तो उसको कुछ गड़बड़ लगती है, तो फिर भी वो थोड़ा सा हिम्मत जुटा के आगे जाता है, तो तभी उसको पता पड़ता है कि यहाँ पर तो ई रिक्शा की रेस होने वाली है, तो वो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लेता है। और पार्टिसिपेट करने का फर्स्ट प्राइज था महिंद्रा की थार और एक स्कॉर्पियो क्लासिक, और उसका बचपन से सपना था कि वो एक महिंद्रा थार बाय करे। तो यार देखते हैं वो सपना उसका पूरा होगा या फिर नहीं। तो अभी फिलहाल फाइनली रेस स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर भाई मेरे को नहीं लगता कि माइकल जीत भी पाएगा, पर देखते हैं यार माइकल अपनी थार के लिए कुछ भी कर सकता है। तो देखते हैं माइकल जीत पाता है या फिर नहीं। माइकल अभी बहुत ज्यादा तेज आगे आ चुका है, और यहाँ पर वो थर्ड पोजीशन पे आ चुका है। अब भाई सेकंड पोजीशन पे आ चुका है भाई वो दादाजी को पीछे करके, और ये देखो भाई अब भाई ये फर्स्ट पोजीशन वाला उसको आगे ही नहीं आने दे रहा है। देखते हैं माइकल आगे आ भी पाता है या फिर नहीं, आप लोगों को क्या लगता है। ओके माइकल फाइनली आगे आ चुका है और अब वो रेस जीत चुका है, तो अब उसका फाइनली फर्स्ट प्राइज उसके पास आने वाला, जो कि उसकी ब्रांड न्यू थार है।